HDFC प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत टाउनशिप स्थित HDFC बैंक में SF हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी के तत्वावधान में मां कैला देवी चैरिटेबल ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान कर पुण्य कमाया। स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी एक सामाजिक सेवा संगठन है जो बेहतर समाज के लिए काम कर रहा है और असहाय निर्बल लोगों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में संस्था के द्वारा प्रोजेक्ट रक्ताश्रय के अंतर्गत मां कैला चैरिटेबल ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलंटियर्स ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में 48 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर लोकेश जैन ने स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं से कहा कि रक्तदान करना जहां समाज के लिए अच्छा संदेश है, वहीं युवा पीढ़ी ऐसे नेक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले तो समाज और देश का भला हो सकता है। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 लोगों को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान से शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। रक्तदान करने के बाद रक्त तीव्र गति से बनता है। दिए गए ब्लड की पूर्ति 1 सप्ताह के अंदर हो जाती है। 90 दिन के बाद व्यक्ति दोबारा रक्तदान करने के योग्य हो जाता है। इस मौके पर पीयूष बंसल, शिखा बंसल, राजन गुप्ता और भारत अग्रवाल आदि भी मौजूद रहे। मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं HDFC में जॉब करता हूँ और मुझे यहाँ पर ब्लड डोनेट करने में बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी हो रही है और ये सभी लोगों को करना चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ब्लड डोनेट। मैं दिव्या चौधरी, HDFC बैंक से यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हम लोग। यहाँ पे माँ कैला देवी चैरिटेबल ब्लड बैंक ने यहाँ पे कैंप लगाया है। बहुत अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करके, पहली बार है मेरा और अब तक 50 यूनिट्स हो चुकी हैं और काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे लोगों की और अच्छा लग रहा है। HDFC बैंक, SDB, फ्लिपकार्ट सब लोग बहुत अपना सब सहयोग दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। HDFC प्रोजेक्ट परिवर्तन के तहत टाउनशिप स्थित HDFC बैंक में SF हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी के तत्वावधान में मां कैला देवी चैरिटेबल ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने उत्साह के साथ रक्तदान कर पुण्य कमाया। स्ट्रेंजर फ्रेंड्स हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी एक सामाजिक सेवा संगठन है जो बेहतर समाज के लिए काम कर रहा है और असहाय निर्बल लोगों के उत्थान के लिए प्रयासरत है। इसी क्रम में संस्था के द्वारा प्रोजेक्ट रक्ताश्रय के अंतर्गत मां कैला चैरिटेबल ब्लड बैंक के सहयोग से रक्तदान एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलंटियर्स ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में 48 लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर लोकेश जैन ने स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले सभी रक्तदाताओं से कहा कि रक्तदान करना जहां समाज के लिए अच्छा संदेश है, वहीं युवा पीढ़ी ऐसे नेक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग ले तो समाज और देश का भला हो सकता है। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 3 लोगों को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि रक्तदान से शरीर में नए रक्त का निर्माण होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। रक्तदान करने के बाद रक्त तीव्र गति से बनता है। दिए गए ब्लड की पूर्ति 1 सप्ताह के अंदर हो जाती है। 90 दिन के बाद व्यक्ति दोबारा रक्तदान करने के योग्य हो जाता है। इस मौके पर पीयूष बंसल, शिखा बंसल, राजन गुप्ता और भारत अग्रवाल आदि भी मौजूद रहे। मेरा नाम संदीप शर्मा है, मैं HDFC में जॉब करता हूँ और मुझे यहाँ पर ब्लड डोनेट करने में बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी हो रही है और ये सभी लोगों को करना चाहिए। मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ब्लड डोनेट। मैं दिव्या चौधरी, HDFC बैंक से यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए आए हम लोग। यहाँ पे मां कैला देवी चैरिटेबल ब्लड बैंक ने यहाँ पे कैंप लगाया है। बहुत
अच्छा लग रहा है ब्लड डोनेट करके, पहली बार है मेरा, और अब तक 50 यूनिट्स हो चुकी हैं और काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे लोगों की, और अच्छा लग रहा है। SDFC बैंक, SDB, फ्लिपकार्ट सब लोग बहुत अपना सब सहयोग दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है।